गुरुमुख प्यारे हो, हमें विचार करना होगा। संत की महिमा पर प्रकाश डालते हुए सतगुरु रविदास महाराज फरमाते हैं, संत का निंदक कैसे तरे, सर पे जानो नरक ही परे। गुरु कहते हैं कभी भी भूल कर संत की निंदा मत करना, वरना जीते जी रौरव नरक के गामी हो जाओगे। जो कोई 68 तीर्थ नहावे, जो कोई द्वादश शिला पुजावे, जो कोई कूप तटा दे बाबे, करे निंद सभ्यता जावे। चाहे रोज 68 तीर्थों पर कोई स्नान करने वाला हो, भगवान शिव की 12 पवित्र लिंगों पर कोई गंगा जल चढ़ाने वाला हो, प्यासे लोगों को नए नए कुआं खुदवा कर प्याऊ लगाने वाला हो, अगर वो निंदा करता है तो इतना किया हुआ कर्म भी उसका सब बेकार है। जो कोई ग्रहण करे कुल खेती अर्पे नार श्रृंगार समेती, ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाकर के कोई दान करे, सगली सिवरती सिरवन सुने, करे निंद कवई ना गुने, वहां पर चारों वेदों का 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान क्यों ना सुने, अगर वो किसी की निंदा करता है तो इतना किया हुआ कर्म भी उसका बेकार है। जो कोई अनक प्रसाद करावे, भूमि दान शोभा मंडप पावे, रोज चाहे भूखों को भंडारे लगाने वाला हो, धर्म स्थानों को जैसे मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे संतों के आश्रम देवालय आदि धर्म स्थानों को सजाने के लिए रोज अपनी भूमि को दान करने वाला क्यों ना हो। जो कोई अनक प्रसाद करावे, भूमि दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगाड़ बिराना सांडे, करे निंद बहुजोनी हांडे। अपने कामों को बिगाड़ कर दुनिया के कामों को कोई बनाने वाला भी क्यों ना हो, अगर वो निंदा करता है बुराई करता है तो इतना किया हुआ कर्म भी उसका सब बेकार है। और भगवान गुरु रविदास जी ने आखिर में कहा, निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रकट पहारा। साधु की निंदा करना ठीक नहीं, निंदा तो किसी भी करना ठीक नहीं है, लेकिन साधु की निंदा से तो दूर बचना चाहिए। पहाड़ के जैसा वजन होता है, एक बार जो इसमें दब जाता है फिर वो उभर नहीं पाता, बाहर निकल नहीं पाता, उसी में उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रकट पहारा, निंदक सोध साध विचारिया, कहे रविदास पापी नरक सिधारिया। गुरु कहते हैं मैंने बुराई करने वाले जीवों पर, निंदा करने वाले प्राणियों पर रिसर्च किया, मैंने खोज की और मैंने ये पाया कि वो लोग पापी होते हैं और दुनिया की कोई ताकत उन्हें नरक जाने से रोक नहीं सकती। ऐसा वचन हमारे गुरुदेव ने फरमाया। हम भूल कर भी साधु संत महापुरुषों की निंदा ना करें, उनको सम्मान ना दे सके तो उनका भूल कर अपमान ना करें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनकी संगत, उनका सानिध्य, उनका सामीप्य हमको प्राप्त होता रहे। महात्मा